हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड से एक और अपडेट आ रही है। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के लड़ाइयां जो है अपने स्तर से लड़ी जा रही हैं। उसी बीच आरटीआई से क्वेश्चन किया गया, आरटीआई को यूज करते हुए एनसीटी से एक्चुअली में क्वेश्चन किया गया है और उस क्वेश्चन का आंसर एनसीटी ने क्या दिया है और किस तरह से सारी चीजों को घुमाया है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। जितने सारे बोलो कि गैजेट और जो जो अमेंडमेंट हुए हैं, जिसका भी नाम लिया गया है, उसको हम अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे कि आखिर में एनसीटी कहना क्या चाहती है। क्या एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे जो है 2 इयर्स डीएलएड के इक्विवेलेंट है या नहीं, क्या क्लियरिटी जो है एनआईओएस ने एनआईओएस एनसीटी ने जो है एनआईओएस डीएलएड के बारे में दिया है, उन सभी चीजों को इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट एनआईओएस डीएलएड के बारे में दिया जाए आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक क्वेश्चन किया, एक नहीं 3 क्वेश्चन किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर 28/12/2023 को, यानी 28 दिसंबर को ये क्वेश्चन किया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन पहले क्या क्या है वो समझोगे तो आंसर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, आर द डीएलएड कैंडिडेट्स ट्रेंड थ्रू एनआईओएस सेशन 2017-19 एलिजिबल फॉर द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट नोटिफाइड ऑन September 29, 2020 इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से ये क्वेश्चन किया गया स्टूडेंट से, इसमें डायरेक्टली यही पूछा गया है 2017-19 में एनआईओएस डीएलएड करने वाले बच्चे जो 2022 वेस्ट बंगाल में टीचिंग वैकेंसी निकली हुई है, क्या उसमें एलिजिबल है। करेक्ट, एकदम क्वेश्चन ऑन टॉप है। क्या आंसर ऐसा आया होगा, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। व्हाइल द वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड इश्यूड अ नोटिफिकेशन एक्सेप्टिंग द एनआईओएस डीएलएड कोर्स सेशन 2017-19 as a 2 years DLED course on November 10, 2017, will any issue arise for fresh recruitments based on the notification? Second question hai, West Bengal ne NIOS DLED ko DLED ke equivalent mangna hai, do saal DLED wala jo hai regular course uske equivalent mana hai, yahan pe yahi likha hua hai, theek hai। ab yahan par ye bol raha hai ki आगे जो भी फ्रेश रिक्रूटमेंट आएगी, क्या उसमें ये इशू क्रिएट हो सकता है? फ्रेश रिक्रूटमेंट में क्या एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे? यानी ये भी एकदम ऑन टॉप क्वेश्चन था, जो कि बच्चों के एक्चुअली में जूझ रहे हैं वही क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, इज देयर एनी अपडेट रिगार्डिंग द इक्वल स्टेटस ऑफ एनआईओएस डीएलएड कोर्स सेशन 2017-19 कंपेयर टू द 2 इयर्स डीएलएड कोर्स। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि क्या एनआईओएस डीएलएड जो है 2 इयर्स डीएलएड के कंपेयर में इक्विवेलेंट है, या उसके बारे में जो है कोई भी डेटा है, कोई भी स्टेटस है, ये पूछा गया है। और ये भी एनसीटी से क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन एकदम जो एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के मन में चल रहा है वही दिया गया है। क्या आंसर आया है, क्या आंसर ऐसा दे दिया गया होगा कि हाँ भाई जो आप पूछ रहे हो वो हम तो आपको बता रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, आंसर इतना घुमा दिया गया है और कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। हाँ, थर्ड पॉइंट को क्लियर कर दिया है, थर्ड पॉइंट जो पूछा गया था इसको क्लियर किया गया है। चलिए आइए यहां पर मैं आपको दिखाती हूं, 15 जनवरी को जो है ये रिप्लाई किया गया है। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे रिप्लाई देखना, Point 1 and 2, तो 1 and 2 में एनआईओएस डीएलएड के बारे में पूछा गया था कि एनआईओएस डीएलएड जो है 2 इयर्स डीएलएड के इक्विवेलेंट है या नहीं, और दूसरा था कि वेस्ट बंगाल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या ये आगे किसी भी जो भी फ्रेश रिक्रूटमेंट आएगा उसमें प्रॉब्लम होगा कि नहीं। और पहले वाले में ये भी था कि वेस्ट बंगाल में जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, ये दो तो क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर एक ही जगह दिया गया। द एप्लीकेंट में रेफर द एनसीटी नोटिफिकेशन, ये आपको एनसीटी का जितना नोटिफिकेशन अभी तक आया है ना मिनिमम क्वालिफिकेशंस को लेकर के, मतलब कि टीचिंग में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक टीचर का, उससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन दिए गए हैं वो आपको रेफर कर दिया गया है। अब यहां पर मैं दिखाती हूँ 23/8/2010, सबसे बड़ा तो यही वाला है, इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी। 23/8/2010 में मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में जो चीजें बोली गई हैं कि प्राइमरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एक टीचर का क्या होना चाहिए, और जो है 6 to 8 के लिए क्या होना चाहिए,
और 9, 10, 11, 12 के लिए क्या होना चाहिए, वही सारी चीजें उसमें है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का आएगा 29/7/2011, इसमें भी अमेंडमेंट है। 12/11/2014, फिर 13/11/2019, 13/10/2021 रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर। बस अब देखो यहाँ पे टेट गाइडलाइन भी निकाल दिया गया है कि एक टीचर जो ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, वो गाइडलाइन में जो दिया गया है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो भाई साहब क्वेश्चन ये था NIU's DLED को लेकर के था। NIU's DLED को इक्विवेलेंट आपने कहीं पर भी क्लियरली नहीं माना है क्योंकि गैजेट में इसको शामिल ही नहीं किया गया था। हाँ, हर जगह समकक्ष वर्ड यूज किया गया है, इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया गया है, उसी इक्विवेलेंट वर्ड को हम लोग ये बोल रहे हैं कि NIU's DLED को आप 2 years DLED के इक्विवेलेंट कीजिए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। अब एक एक करके मैं आपको दिखाऊं, पूरा यहाँ पे पीडीएफ जो है ओपन है, किसी पीडीएफ में क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी NIU's DLED के बारे में क्योंकि ऐसा जो है किसी में दिया ही नहीं गया है। चलिए यहां से स्टार्ट करें, पूरा तो 2010 से लेकर के सारा ओपन किया गया, मैं एक एक करके ही निकालूंगी, सारा निकालूंगी, आप लोग भी हो जाओगे कंफ्यूज, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि भाई निकालें। ये है 23 अगस्त 2010 का जो मेन पूरे क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें एलोब्रेट किया गया है। ये भारत का राजपत्र है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं तो जो भी है देखो, न्यूनतम योग्यता 1 to 5 के लिए, यहाँ पर आप देखिए क्या बोला गया है, 1 से 5 के लिए क्या बोला गया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसे जिस नाम से भी जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा लिखा है, 2 साल का डिप्लोमा, और यहाँ पर NIU's DLED को आपने 18 महीने का कर दिया है। तो इसमें बच्चों की गलती है, किसकी गलती है? अब हम अगर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चले तो जो हमने क्वेश्चन भी पूछा है क्या वो हमारा क्लियर हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें 2 साल का डिप्लोमा का बात किया है। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि आप ये मान रहे हो कि NIU's DLED जो है समकक्ष नहीं है? फिर आपने इतने धूमधाम से जो NIU's DLED का एडमिशन करवाया वो किस लिए करवाया? तो ये तो पहला आपको 50% का दिख गया होगा। नीचे मैं आपको दिखा रही हूं, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसे जिस नाम से भी जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अब देखो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि यहां नाम है NCT, ठीक है, NCT मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यहीं पे फंस रहा है मामला। देखो इन ये लोग तो अपना नियमावली निकाल करके बता देंगे कि इसके अनुसार होगा, लेकिन आपने NIU's DLED को उसमें शामिल करवाया है या नहीं, नहीं करवाया है, गैजेट नहीं निकाला है, उसमें नहीं बताया है 2 years डिप्लोमा जो यहाँ पे बोल रहा है ना कि जिससे जिस नाम से भी जाना जाता हो, तो यहाँ पर आप लिखवा सकते हो कि भाई 2 years डिप्लोमा जो कि NIU's से भी जिन्होंने DLED किया है उनको भी। तो ये चीजें तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, या तो फिर उसको 2 years का करो, फिर NIU's DLED को आप पूरा कंप्लीट 2 years का कर दे, जो 18 महीने और 6 महीने का इंटर्नशिप दिखाया जा रहा है वो ना दिखाकर उसको 2 years का करे, कुछ तो इसमें करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो एक वहां पे नाम लगा दिया गया है कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जब हम देखने जाएंगे तो हमें जो है यही सारी चीजें मिल रही है, जिससे कि कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके घुमा दिया गया है बच्चों को। और भी मैं दिखा देती हूँ, ये हमने 2010 का देखा, 2011 का भी नाम लिया गया है, 2021 का भी नाम लिया गया है, हर जगह पे जो है ये चीजें बोली गई है। एक और देख ही लेते हैं, चलिए 2011 वाला देख लो, ये 2011 का है, कोई फायदा तो है नहीं, हमने पूरा ये करके देखा है भाई, इसमें किसी भी तरीके से ऐसा नहीं बोला गया है। ये देखो ये 2011 का है, यहाँ पर भी वही देखिए, न्यूनतम मूल अधिसूचना के पैरा 1 के उप पैरा के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित, यहाँ पर जो भी संशोधन जो चीजें होती आई है उसके अनुसार है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। और फिर नीचे में आप आओगे तो यहाँ पे 45% अंकों के साथ जो है आ जाएगा, जो NCT के मान्यता और मानदंड के अनुसार हो। फिर यहाँ पे 50% अंकों के साथ यहाँ पे देखोगे 4 वर्षीय है,
फिर यहाँ पे 50% अंकों के साथ देखोगे विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन का है, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय, ये बता दिया गया। यहाँ पर हमें जो चाहिए, जो चीजें हमें हमारे लिए सही रहेगी वो है कि ये 18 महीने वाला भी आप या तो इक्विवेलेंट मान ले, यहाँ वहां पे लिख दे, गैजेट में शामिल करके बोल दे कि एनआईओ से डीएलएड करने वाले जो है इक्विवेलेंट है 2 इयर्स डिप्लोमा के, तो फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट बार बार वर्ड यूज हुआ है तो उसमें वो आ जाएंगे, अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होते रहेगा। इसके अलावा टेट गाइडलाइंस के बारे में बोला गया है, वो भी आप लोग देख सकते हो। सभी जगहों पर एक ही चीज है, मिनिमम क्वालिफिकेशन का जिक्र होगा, हर मिनिमम क्वालिफिकेशन को मॉडिफाई भी करते गया है, जहां पे मास्टर वाले को भी जो है 1 to 5 में एलिजिबल माना गया है, और ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा जो मुद्दा है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, और जब तक ये एनआईओएस डीएलएड वाले बातों को आप क्लियर नहीं करेंगे कि हाँ वो इक्विवेलेंट है या फिर वो जो है उसको 2 इयर्स का बनाइए, जिस तरह से भी उसको आप जो है पूरे बराबरी में लेकर के आइए, तब तक ये मिनिमम क्वालिफिकेशन और ये सभी चीजें देखने से कुछ नहीं होगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये 11 फरवरी 2011 का है, टेट को लेकर के है, टेट का भी नाम लिया गया है क्योंकि जब हम प्राइमरी के लिए कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमारा डीएलएड बीएड के डीएलएड एंड प्लस टेट भी चाहिए होता है। 6 to 8 के लिए जाते हो तो उसमें भी टेट और सीटेट चाहिए होता है, तो उसके बारे में टेट का भी उसमें नाम लिया गया है। तो ये वो वाला है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर आपको देखोगे तो टेट एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इज अंडर, यहाँ पे बोला ये भी जा रहा है कि टेट जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन में ही आ रहा है, टेट एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इज एज अंडर, यानी टेट को भी मिनिमम क्वालिफिकेशन में भी रखा जा रहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो हमें एक टीचर में चाहिए, योग्यता जो चाहिए उसमें उनका टेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। तो ये भी है, और एनआईएस डीएलएड के बच्चे टेट क्वालिफाई करते ही हैं। तो इसमें नीचे अगर आप जाओगे तो सारा वही सारी चीजें हैं, कुछ ऐसा चेंज आपको नहीं दिखेगा, और बार बार 23 अगस्त 2010 वाले गैजेट के बारे में जिक्र किया जाएगा। मैंने उसको देख लिया, स्ट्रक्चर क्या है वो भी आप देख लीजिए। तो इसका कोई फायदा जो है देखने को नहीं मिला है। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और देखते हैं कि तीसरे नंबर पॉइंट के लिए क्या बोला गया। ये 2 नंबर पॉइंट आपने देखा, दोनों नंबर पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड बाकी चीजों में घुमा दिया गया है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ टेट गाइडलाइन के साथ 11/2/2011, 9/4/2013, 22/5/2014, इन सभी क्वालिफिकेशन को जो है बताया गया है कि ये सारा आप जाकर के मिनिमम क्वालिफिकेशन और टेट गाइडलाइंस कैसे देख सकते हो। तो हमने तो पूरा देख लिया, एनआईएस डीएलएड का कहीं भी नाम नहीं है, इक्विवेलेंट जब तक नहीं करेगा, समकक्ष नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा। यानी जो 2 क्वेश्चन पूछा गया कि वेस्ट बंगाल ने एक्सेप्ट किया है, यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। एक और चीज यहां पर मैं आपको दिखा दूं, यहां पर एक पॉइंट 3 में जो है ये बात बोली गई है कि देयर इज नो सच रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ऑफिस रिकॉर्ड्स ऑफ एनसीटी। इसमें 3 नंबर वाले में पूछा गया था कि एनआईओएस डीएलएड और जो रेगुलर डीएलएड है उसको लेकर के, उसको कंपेयरिंग को लेकर के कोई रिकॉर्ड है, यानी उसको इक्विवेलेंट माना गया है या फिर उसको अलग माना गया है उसको लेकर के रिकॉर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज और बता दू, द एप्लीकेंट में ऑल्सो अप्रोच टू द रिक्रूटमेंट एजेंसी बोर्ड ऑथोरिटी कंसर्न इन दिस रिगार्ड। यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का नाम लिया गया था कि वेस्ट बंगाल ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो आगे जा करके अगर जो है न्यू फ्रेश वैकेंसी आती है तो उसमें एलिजिबल रहेगा, तो क्या इसमें कोई इश्यू स्टार्ट होगा? तो यहाँ पर बोर्ड को कंसर्न करने के लिए, यानी बोर्ड से कॉन्टेक्ट करने के लिए, अप्रोच करने के लिए भी बोला गया है। लेकिन बात ये आ जाएगी ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके पूरी मान्यता को खत्म किया है तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से साइडलाइन हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर बोर्ड को हर जगह हर स्टेट में जो है मानना पड़ेगा। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात नहीं पहुंची रहती, मानो कि किसी सिर्फ राज्य में रहता तो वेस्ट बंगाल सेफ रहता, वेस्ट बंगाल में जो नियम वेस्ट बंगाल के स्टेट में जो चल रहा है वही आगे बढ़ता, बट अब सुप्रीम कोर्ट में मामला हो गया तो सभी जगहों पर यह लागू हो जा रहा है।
तो ये जो आरटीआई से ये आप लोगों ने जो रिप्लाई मांगा था उसका ये समराइज है। बस हमारा एक ही मकसद अब होना है कि हमें जो है एनसीटी की तरफ से मान्यता जो पत्र दिया गया है 22 सितंबर का, उसको गैजेट में शामिल करें और अभी तक क्यों नहीं किया गया है उस पर भी आंसर करें और हमें इक्विवेलेंट बनाए, एनआईएस डीएलएड को समकक्ष माने रेगुलर डीएलएड के, और जो जो उसमें कमियां आपको दिखाई दे रही है, 18 महीने का कोर्स है तो 6 महीने, 18, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 18 महीने किया, आपका 18 + 6 है, यानी कि आपका है वही 24, लेकिन वहां पे 18 मंथ्स क्यों बार बार आप जो है बता रहे हो कि एनआईएस डीएलएड 18 मंथ्स का है वो 24 महीने का। आप सर्टिफिकेट देखोगे जो भी बच्चों का मार्क्सिट है उन्होंने हमें सेंड किया है, वहां पे 2 साल ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर जो क्लासेस करवाए जा रहे हैं 18 महीने में ही पूरे 2 साल का कोर्स खत्म करवा दिया जा रहा है। आप सोच रहे हो उनपे कितना बर्डन हुआ होगा, और 6 महीने का इंटर्नशिप कर दिया जा रहा है। आप उसको एड ऑन कीजिए, किसी ना किसी तरीके से उसको जो है सही करके दीजिए, यही हमारी जो है मांग है और ये एनसीटी को अब मांगना होगा और उनपे जो है प्रेशर बनाना होगा, चाहे हम इसको लीगल वे में लेकर के जाएं, कोर्ट के थ्रू लेकर के जाएं, चाहे मिनिस्ट्री के थ्रू जो है प्रेशर बनाए, दोनों में से कोई भी। तो इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।